दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। क्योंकि संजय थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने मिस्टर जॉनसन के कहे शब्द ठीक से नहीं सुने थे। हालांकि मिस्टर जॉनसन की कही आखिरी बात सुनी थी। जब संजय ने अर्पिता को हड़बड़ी में मिस्टर जॉनसन से कुछ कहते हुए सुना था, अनजाने में ही उसका हाथ उसके सिर पर लग गया था। पर वो डरी हुई लग रही थी। क्या वो मिस्टर जॉनसन की कही आखिरी बात को सुनकर डर रही थी? संजय ने एक बाजू से ही अनन्या को गोद में उठाया हुआ था। उसने बहुत शांत होकर अर्पिता को कहा, मेरी इटालियन बहुत अच्छी नहीं है और मैं सिर्फ हाय हेलो करना ही जानता हूँ। अर्पिता, जो कि बहुत गुस्से में थी, ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। उसके मुंह से निकला ओह, और वो खुद के ही बाल खींचने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया था। मिस्टर जॉनसन ने जो कुछ कहा था, संजय को कुछ समझ नहीं आया। इसमें कुछ गलत नहीं था। इटालियन ऐसी भाषा नहीं है जिसे हर कोई समझ सके, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि संजय उसकी बात नहीं समझ सका। अर्पिता ने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। उसे तो इस समय राहत की सांस लेनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन बहुत भारी था। तुम्हारी इटालियन कैसी है? संजय आगे बढ़कर आया। उसके लंबे शरीर की परछाई से अर्पिता पूरी ढक गई। जैसे ही अर्पिता ने ये सुना, उसका चेहरा बदल गया। उसके पास कमाल के हुनर थे। उसकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स भी लाजवाब थी। इतना ही नहीं, अब लगता था कि वो अलग अलग भाषाओं को भी जानती थी। वो बिल्कुल एक पंडोरा के बक्से के जैसे थी। अपने अंदर न जाने कितने राज छुपा कर बैठी थी, जो वो एक एक करके संजय के सामने खोल रही थी। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें इटालियन आती है? संजय ने उससे पूछा। अर्पिता अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जब उसने संजय का सवाल सुना, तो वो अपना सिर उठाती हुई वो अनजाने में ही बोल उठी, आपने कभी पूछा ही नहीं। संजय उसके भोले से दिखने वाले चेहरे को घूर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि अगर उसने पूछा होता तो क्या वो सच बताती। मिस्टर जॉनसन ने मेरे आने से पहले तुम्हें क्या कहा था? अर्पिता ये सुनकर हैरान थी। क्या ये बात खत्म नहीं हो चुकी थी? अब वो दोबारा वही बात क्यों शुरू कर रहा था? वो उसको कैसे जवाब दे? वो ऐसा तो नहीं कह सकती थी, मिस्टर जॉनसन ने कहा कि आपकी बेटी मेरे जैसी दिखती है, उसने मेरी सारी खूबियां अपने अंदर ले ली है, वो बिल्कुल मुझ पर गई है, सुंदर और स्मार्ट। हालांकि अर्पिता को डर था कि ऐसा कहने पर संजय उसे गलत समझेगा और उसे लगेगा कि वो अपने मन में अनन्या की सौतेली माँ बनने के सपने देख रही थी, और हो सकता है कि वो इसके लिए अर्पिता की गर्दन ही तोड़ दे। अर्पिता जानबूझकर थोड़ी देर चुप रही, फिर जबरदस्ती उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। नहीं, कुछ नहीं, वो तो सिर्फ अनन्या की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत प्यारी है। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। बिल्कुल नहीं, अर्पिता ने अपने मन में कहा। मिस्टर जॉनसन ने कहा था कि अनन्या बिल्कुल अर्पिता पर गई है, वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह सुंदर है। फिर संजय को खुद पर इतना घमंड क्यों था? अनन्या बिल्कुल एक पत्थर का टुकड़ा लगती अगर वो संजय की तरह दिखती। अर्पिता अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी फोन की घंटी बज उठी। उसे अचानक होश आया और वो बोली, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि मुझे रिपोर्ट करने वापस डिपार्टमेंट जाना था। मिस्टर संजय, मैं अब चलती हूँ। वो कुछ ज्यादा नहीं कह पाई और तेजी से ऑफिस की तरफ चली गई। संजय बहुत देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। संजय को महसूस हो रहा था कि अर्पिता का सर फिर उसके इमोशंस पर हो रहा था। बॉस, संजय का असिस्टेंट आगे आया और उसने धीरे से उसे याद दिलाया कि संजय वहीं खड़ा रह गया था और अर्पिता जा चुकी थी। संजय होश में आया और अनन्या को गोद में उठाकर ऑफिस की तरफ चला गया। उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था। जैसे ही वो प्रेसिडेंट ऑफिस के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने गीतांजलि को बाहर इंतजार करते हुए देखा। गीतांजलि एक काले बिजनेस सूट में बहुत ही प्रोफेशनल दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही साथ वो बहुत आकर्षक भी दिख रही थी। उसने अपने बाल पोनीटेल में बांधे हुए थे और कुछ लटे उसके कानों के पास लटक रही थी। वो सच में बहुत अच्छी दिख रही थी। जैसे ही उसने संजय को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर वो आगे बढ़ी और बोली, मिस्टर संजय, हमारी टीम ने अभी अभी मिस्टर जॉनसन को वापस विदा कर दिया है। मिस्टर जॉनसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ओके, संजय ने रूखे से शब्दों में कहा। उसे पहले ही ये खबर मिल चुकी थी, इसीलिए उसके चेहरे पर ज्यादा भाव दिखाई नहीं दिए। गीतांजलि ने संजय का रिएक्शन नहीं देखा और खुद ही बोलती गई,
मिस्टर जॉनसन मेरे काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। वैसे सच कहूँ तो अगर उन्हें आपसे मिलने का मौका मिलता तो मेरी तो कोई बात ही नहीं होती। अचानक गीतांजलि को जैसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। मैंने इटालियन प्रोजेक्ट इसीलिए चुना था क्योंकि मैं जानती थी कि आप इटालियन भाषा काफी अच्छे से जानते हैं। ये सब आप ही की वजह से। मैंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, क्या तुम किसी और के बारे में भी बात करना चाहती हो? संजय ने उसकी बात काटते हुए अपने पतले होंठ को खोलते हुए कहा। ऑफिस में आते हुए उसने अनन्या को नीचे उतारा और फिर खेलने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद वो अपनी डेस्क की तरफ चला गया और बैठ गया। उसने गीतांजलि की तरफ देखा। गीतांजलि ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, असल में मैं अपने काम की तारीफ करवाने नहीं आई थी, मैं यहाँ माफी मांगने आई थी। गीतांजलि का चेहरा बोलते हुए पीला पड़ गया। जब संजय ने उसे ऐसा कहते हुए सुना, उसने अपनी भौहें चढ़ाई और अपने पास खड़े असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट तुरंत उसकी तरफ आया। उसने झुककर धीरे से संजय के कान में सारी खबर दे दी, जो भी उसने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में सुना था। मिस्टर संजय, शिखावस्ती ने आज तक ऐसा नहीं किया, वो बहुत ही मेहनती है और आज तक उसने कोई गलती नहीं की। मुझे लगा वो बहुत काबिल है, इसीलिए मैंने उसे सुपरवाइजर अर्पिता की मदद करने के लिए भेजा था, पर जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा रुक कर गीतांजलि फिर बोली, कुछ भी हो, मेरे नीचे काम कर रहे एम्प्लॉयज को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मेरी ही लापरवाही की वजह से उसे ये सब करने का मौका मिला और जिसका असर कोलैबोरेशन पर भी पड़ सकता था। मिस्टर संजय, शिखावस्ती अपनी गलती पहले ही मान चुकी है और रिजाइन कर चुकी है। देखा जाए तो गीतांजलि का इससे कोई लेना देना नहीं था। अगर ऐसे हालात में एक मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जाता तो वो सही नहीं होता। तभी ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और उसके पीछे अर्पिता अंदर आई। मिस्टर संजय, सुपरवाइजर अर्पिता आई है। वो लोग अभी अभी अलग हुए थे, एक बार फिर मिल गए। संजय ने अर्पिता की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो अर्पिता के वहाँ आने का कारण पूछ रहा था। अर्पिता के चेहरे पर भी हैरानी थी। ऑफिस में अंदर आते हुए वो गीतांजलि के पास गई और उससे बोली, मैनेजर गीतांजलि, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या कोई बात है? हाँ, मैंने ही सुपरवाइजर अर्पिता को बुलाया है, गीतांजलि ने ऐसा कहते हुए अर्पिता का हाथ प्यार से पकड़ लिया और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। फिर उसने संजय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर संजय, किस्मत से हमारे पास सुपरवाइजर अर्पिता थी इस कोलैबोरेशन को संभालने के लिए। जब से ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आई है, इनका काम काबिले तारीफ रहा है। मुझे आशा है कि कंपनी इनके काम की जरूर सराहना करेगी। अचानक गीतांजलि में आए हुए इस बदलाव का क्या कारण था, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के अगले एपिसोड्स।